हेलो यूट्यूब फैमिली, मेरे पास से वीवो V27 Pro जो कि कर्व डिस्प्ले के साथ आता है और मैं इस पे एक टेम्पर्ड ग्लास को लगाने वाला हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं एक पैकेट है लिक्विड ग्लू, इस पे मॉडल नंबर लिखी हुई है वीवो V27 Pro UV ग्लास। तो मैं इस बॉक्स को करता हूँ ओपन और यहाँ कुछ इसके सैंपल दिए हुए हैं किस तरह आप इस पे लगाओगे। अब मैं बॉक्स को ओपन करता हूं और देखता हूं इसके अंदर क्या क्या है। तो यहां से मैंने बॉक्स को ओपन कर लिया है। इस पैकेट में एक यूवी लाइट है यूवी ग्लू, और एक पीस टेम्पर्ड ग्लास है, और एक इसमें पाउच भी है और पाउच के ऊपर लिखी हुई स्क्रीन प्रोटेक्टर एसेसरीज। कौन वाल का? कौन सा फोन है? हो जाएगा। अब शुरू करते हैं इस फोन में टेम्पर्ड ग्लास लगाने का प्रोसेस को। तो सबसे पहले मुझे इस फोन के ऊपर स्क्रीन गार्ड को हटा लेना है। तो यहां से मैं इसको हटा लेता हूं। अब डिस्प्ले को गीले कॉटन से पहले साफ कर लेना है। तो मैं इसको अच्छे से साफ कर लेता हूं। इसके बाद मुझे इस सूखे कॉटन से अच्छे से डिस्प्ले को साफ कर लेना है। इस पे एक भी डस्ट रहना नहीं चाहिए, नहीं तो फिर टेम्पर्ड के अंदर आपको ये नजर आएगी। तो मैंने इस डिस्प्ले को पूरे अच्छे से क्लीन साफ कर लिया है। अब मैं इस यूवी ग्लू को डिस्प्ले के ऊपर इस तरह मुझे डालना है। इसके बीचों बीच मुझे इस प्रकार से मुझे डालना है। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने फोन के बीचों बीच इस ग्लू को डाला है और थोड़ा सा ग्लू मुझे बचा के रखना है। अब मुझे इस टेम्पर्ड ग्लास को इस पे अप्लाई करना है। तो यहाँ से स्टिकर को मुझे हटाना है। प्रॉपर तरीके से मुझे डिस्प्ले के ऊपर इसको रख देना है। ये ग्लू ऑटोमेटिक चारों तरफ कवर कर लेगा।
मैं फिंगर से थोड़ा हल्के हल्के हाथों से इसको प्रेस करता हूँ ताकि ये ग्लू अच्छे से इसको कवर कर ले। तो आप देख सकते हैं मैंने कितनी आसानी से और अच्छी तरह से इस फोन के ऊपर टेम्पर्ड ग्लास को अप्लाई कर दिया है। इस फोन के चारों तरफ मुझे देख लेना है ये टेम्पर्ड ग्लास सही से लगा है या नहीं लगा है। अब आते हैं लास्ट प्रोसेस पे और ये देख सकते हैं मेरे पास है यूवी लाइट। मैंने इसमें टाइप सी की चार्जर केबल लगाया। यहां देख सकते हैं यूवी लाइट ऑन हो चुका है और मुझे इस तरह से डिस्प्ले के ऊपर इसको दिखाना है ताकि इसके अंदर जो ग्लू है वो अच्छे से सूख जाए। अगर आप भी कोई फोन में टेम्पर्ड ग्लास को लगाते हो तो यूवी लाइट को इस तरह से यूज करना है। टेम्पर्ड ग्लास के चारों तरफ मुझे यूवी लाइट को प्रोसेस करना है ताकि ये टेम्पर्ड ग्लास अच्छे से चिपक जाए। फोन के ऊपर थोड़ा सा बबल नज़र आ रहा है यहाँ पे, तो मैंने थोड़ा सा ग्लू बचा के रखा है जो मुझे यहाँ पे इसको डालना है, तो मैं यहाँ इसको डाल देता हूँ हल्का सा। फाइनली इस फोन में मेरा टेम्पर्ड ग्लास अच्छे से लग चुका है तो यहाँ आप देख भी सकते हैं।
यहाँ आप देख सकते हैं मैंने कितने अच्छे से इस फोन में एक टेम्पर्ड ग्लास को लगा लिया है। मैं एक बार आपको अच्छे से दिखा भी देता हूँ, एक भी बबल नज़र नहीं आ रही है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दें, और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।